आज हम बनाएंगे फेस्टिवल के मौके पर ये मज़ेदार सा पनीर टिक्का ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 kg पनीर लिया है, बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेना है और इसे मैरिनेशन करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, कश्मीरी लाल मिर्च और छाना हुआ दही और पनीर टिक्का मसाला यहाँ पे ऐड कर देना है और सभी को अच्छे से मिक्स करके कम से कम 1/2 घंटे के लिए रख देना है। अब इसमें हमें शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर के क्यूब्स इस तरह से काट लेना है और जो कबाब वाली स्टिक आते हैं उस तरह से असेंबल कर लेना है। अब तवे को अच्छे से हाई फ्लेम में गर्म करना है और बटर या ऑयल इसमें डाल लें और एकदम हाई फ्लेम पे इसे टिक्कों को एकदम डार्क फ्राई कर ले, यानी फ्राई करना नहीं है, इसे एक स्मोकी सा फ्लेवर देना है। अब ये हमारा तैयार हो गया है। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, धनिया पाउडर लिया, ज़ीरा पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च यानी लाल मिर्च लिया है और पनीर का मसाला यहाँ पे ऐड करना है और मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच लेना है और कस्तूरी मेथी इसे मिला के इसे एक साइड रख देना है। अब एक कढ़ाई में हमें बटर और ऑयल लेना है और बारीक कटा हुआ प्याज इसे हल्का सा सॉफ्ट होने देना है। उसके बाद मसाला जो हमने तैयार किया था वो डाल देना है, टमाटर का प्यूरी डाल देना है और नमक, और जो हमने पनीर का जो मसाला बचा था उसमें हम थोड़े से पानी डाल के अच्छे से मसालों को डाल देंगे, थोड़े से क्रीम डालेंगे, कस्तूरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मसालों को पहले भून लेंगे, थोड़े से पानी डालेंगे और जो हमने पनीर टिक्का फ्राई करके रखा है उसे हम इसे डाल देना है। बस ख्याल रखें कि आप जब भी पनीर फ्राई कर रहे हो तवा में तो एकदम हाई फ्लेम पे करें ताकि इसका एक स्मोकी सा फ्लेवर आ सके, इस बात का ख्याल रखना है। बस इसे अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और 5 मिनट इसे धीमी आंच में पका लें और ऊपर से एक क्रीम गार्निश करें और जल्दी से गर्मा गर्म नान पराठों के साथ सर्व करें। जल्दी से जाएं, बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।